सम पीपल वांट टू गेट माइलेज आउट ऑफ इट। बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में राहुल गांधी जी जो चीन की पैरवी करते हैं, पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, और आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात कर रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर तरफ सिर्फ नफरत 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 और कुछ नहीं है। जो राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चौबीस घंटा हिंदू मुस्लिम 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800 मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट हिंसा नफरत दिखाई देती है। लाल किले से राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान की पैदल यात्रा 2800 किलोमीटर की, लेकिन मुझे जमीन पर कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं दिखा, लेकिन जब मैं टीवी खोलता हूं तो मुझे हिंदू और मुसलमान दिखता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत हूं, इनके जो स्टेटमेंट है इससे मैं सहमत हूं कि वाकई ग्राउंड रियलिटी में कोई हिंदू मुसलमान किसी आम बंदे के दिमाग में नहीं है, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से टीवी पे। ये जो भी है ये मुद्दे बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इंस्टिगेशन पे बनाए जाते हैं, अदरवाइज आम बंदों के दिमाग में ये चीज़ तो ये थॉट भी नहीं है। हम पटना से अभी घूम के आए हैं, अभी वहाँ पे मुस्लिम एरिया, कोई मैं कहता हूँ अच्छे से हमारे साथ लंगर खाया, कुछ नहीं, किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं। बट जब कोई पॉलिटिकल इशू बनाना होता तो ये चीज़ें मोटिवेट की जाती हैं। अभी भी ऐसा जरूरी नहीं है, इवन क्लासेस में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में टीचर्स में कई टीचर्स हैं जो करते हैं कि हाँ ये हमारे कम्युनिटी का है, तुमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऐसा होता है डे टू डे लाइफ में। तो ऐसा कहना कि सिर्फ टीवियों में दिखता है, टीवी में वही चीज़ दिखाया जाएगा जो रियलिटी में बीत रहा है, वैसा बनावटी ये मूवी तो नहीं चल रहा जो बनावटी चीज़ें हीरो हीरोइन तैयार है करेंगे, वैसा सीन्स नहीं है। तो हमें लगता है कि ये बात गलत है जो राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक है, अगर हम जैसे घूमते हैं फिरते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनको देखते हुए कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हिंदू एंड मुस्लिम एंड ऑल, बट जब भी हम टीवी देखते हैं तो नॉर्मली अभी जो भी केसेस आ रहे हैं उन केसेस पे ज़्यादा डिबेट्स चलती हैं। अभी जैसे जो केस हुआ था अभी रिसेंट में एक लड़की के रिगार्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा उस बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है, तो ऑब्वियसली जब भी हम घूमते फिरते उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बड़ा देश का दुर्भाग्य है इस देश में राहुल गांधी जी जो चीन की पैरवी करते हैं, पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, और आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की वर्ड को यूज़ नहीं करते, वे केवल भारत की बात करते हैं, भारतवंशियों की बात करते हैं। हाँ, पर्सनली वैसा मैंने कभी फील नहीं किया, जो राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जब हम टीवी खोलते हैं तभी हमें दिखता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, अदरवाइज़ हमारे फ्रेंड्स भी हैं उनके साथ भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा फील कराया, या फिर किसी जोक का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने, अगर हम नॉर्मली कुछ हिंदू मुस्लिम वाला जोक भी करते हैं तो वो अदरवाइज़ नहीं लेते, वो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। हाँ, बट जब टीवी खोलते हैं तो उसमें स्पेशली लोगों को बिठाया जाता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करें। क्लियर कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी जो उनका स्टेटस है और इलेक्शन में हर जगह वो हार ही रहे हैं, तो उसकी वजह से वो नया नया कोई प्लान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एक प्लान ही है उनका कि एक इंडिया को जोड़ते हैं और कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकले उनके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी कांग्रेस पार्टी वो हर जगह तो डाउन ही जा रही है, और अभी क्या है वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी पार्टी को ऊपर रखने के लिए, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप देखो सिर्फ क्या है यहाँ राजस्थान में ही उनकी सरकार बची हुई है, बाकी तो हर जगह उनका ऐसे ही डामाडोल चल रहा है, तो वो कुछ भी उल्टी सीधी मतलब अपने आप को मतलब पॉपुलर करने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम सब एक धर्म को फॉलो करें, वो है इंसानियत, उसी पे ही हमारा देश बढ़ेगा, बजाय इस चीज़ के वाद विवाद रोज़ बनाने और उन पे मुद्दे खड़े करने, और उसी के बीच में पाँच पाँच साल की सरकारें समय दे जाती हैं और फिर से कोई ना कोई उसी फॉर्म में मतलब देशवासी कोई फ़ायदा नहीं ले पाता। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे को ज़मीन पर कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं दिखा, लेकिन जब मैं टीवी खोलता हूँ मुझे हिंदू और मुसलमान दिखता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, डे टू डे लाइफ में सब कुछ होता है। देखिए, अगर कोई बंदा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर भी दिखेगा, और ऑनलाइन जो हमारा चलता है न्यूज़ चैनल्स उधर भी दिखेगा। ज़मीन पर मुझे कहीं भी नफरत दिखाई नहीं दी, और टीवी खोलो तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा दिखाया जाता है, वो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हर तरफ सिर्फ नफरत 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 और कुछ नहीं है। Stop watching TV several, मतलब अराउंड
काफी दिन हो गया। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा है कि मतलब टीवी खोलने पे ही उनको दिखता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई लाइक माइन मोस्ट ऑफ पीपल हैव स्टॉप्ड वाचिंग टीवी बिकॉज़ देयर इज नथिंग बट टू स्प्रेडिंग द हैट्रिक्स।